उदयपुर कोटड़ा पंचायत ने जब से नोटिस देकर केबिन हटाने के आदेश दिए हैं, तब से पिछले 40 वर्षों से 43 केबिनों में अपनी रोजी रोजगार कमाकर जीवन यापन कर गुजारा कर रहे लोग पर आसमान टूट पड़ा है। इन लोगों का कहना है कि पंचायत की स्वीकृति से अपना केबिन लगाकर गुजारा कर रहे थे, जिसकी पंचायत में भूमि किराया अदा कर रसीद भी दी जाती रही है। सन 1992 में पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सभी को पट्टे का आवंटन करने का निर्णय लिया, जिसमें पट्टे देने के लिए पंचायत ने 4076 रुपए राशि की कई रसीद भी काटी गई। लोगों का कहना है कि फिर भूमाफियाओं ने इस जमीन को खरीदने का मान सब बनाया तो हमें हटाने का प्रस्ताव लाया गया, जिससे हमें मजबूर होकर न्यायालय की शरण में जाकर स्थगन आदेश लाना पड़ा, जिसकी पैरवी के अभाव में 1997 में आदेश निरस्त हो गए। सन 2000 में पुनः पंचायत ने सभी को नियमी तकर पट्टे देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जब से आज तक सरपंच पट्टे देने की बात करते रहे, लेकिन पट्टे नहीं दिए गए। दिसंबर 2016 में अपने निजी स्वार्थ के झगड़े के कारण पंचायत को पार्टी बनाकर जनहित याचिक उच्च न्यायालय में पुरुषोत्तम खंडेवाल ने दायर की, जिसमें न्यायालय को गलत जानकारी दी गई। सन 1965 में पंचायत ने विद्यालय को 80x120 गज भूमि आवंटन की थी। इस भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 25x191 फीट स्टेडियम का पक्का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण पूर्ण हो चुका है। पुरुषोत्तम ने न्यायालय को 180x120 गज भूमि बताकर हमें मैदान के बीच में दर्शा दिया, जिससे न्यायालय ने 4 अप्रैल 2017 का हमें हटाने के आदेश दे दिए। हमने कई बार पंचायत समिति व तहसील कार्यालयों से मैदान की सीमा रेखा की जानकारी ली, लेकिन कोई भी जानकारी देने में समर्थ नहीं हुआ। आखिरकार हमें वापस न्यायालय की शरण में जाना पड़ा कि हमारे पक्ष को भी सुना जाए। न्यायालय में पिटिशन 84/2017 दायर की, जिसमें 10 अप्रैल 2017 को हमारे पक्ष को सुना व पंचायत को सीमा निर्धारण करने व हमारे समक्ष ही सीमा निर्धारित किया जाए, यह कहा गया। लेकिन धनाढ्य लोगों के हाथों बिक चुके अधिकारी हमें सुनने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार हमें जन आंदोलन का सहारा लेकर कोटड़ा बंद करना पड़ा, फिर भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। 2 जून 2017 को हमने प्रशासन को आगाह किया गया था कि आप हमें न्याय दे नहीं तो 4 जून 2017 से आमरण अनशन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यह अनशन अनिश्चित काल तक चलेगा। पनावरा टीवी के लिए कोटड़ा से देवारम सेन की रिपोर्ट। यहाँ जो है सन 1974 से जमींदारी अपना यहाँ पर केबिन लगा के ग्राम पंचायत की जमीन पर, और बराबर 92 तक पंचायत का किराया जो है जो भी बनता था उस टाइम तक देते आए थे, और उसके बाद में पंचायत ने स्वतः ही किराया बंद कर दिया था। उसके बाद हमारे जमींदारियों ने मनेडर से भी पंचायत को किराया पहुँचाने की हमारे पर मनेडर की रसीदें जी हैं भेजा, अपन पंचायत ने लिया नहीं। और उसके बाद में जो है अभी 2017 में हमको पंचायत ने बेदखल करने का आदेश दे दिए कि यहाँ से आपको बेदखल किया जाता है, ना कि हम ये जो गांधी ग्राउंड जो इसका जो 1965 का जो पट्टा है वही 80x120 का है, और 80x120 के अंदर स्वतः ही ग्राउंड बन चुका है, पवेलियन बन चुका है, गल्ले उसके बाहर हैं, केबिनधारी उसके बाहर हैं, तो भी पंचायत वीडियो साहब और सरपंच साहब वगैरह जो है बार बार दबाव देके और गल्लाधारियों को परेशान कर रखा है। और हम आज 2 दिन से आज अनशन पे हैं, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार तो हम अनशन पे रहेंगे और हमारा केबिनधारी गल्ले को बंद रखेंगे। और इसमें कम से कम 2000 के लगभग रोज परिवार इसमें है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इन पे मतलब भुखमरी की नौबत आ सकती है। आज केबिन संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो आमरण अनशन शुरू किया गया है, मतलब इसका मकसद ये है कि हम केबिनधारी 45 साल से यहाँ पर काबिज हैं, और पूर्व में कोटरा सरपंच ने कई बार हमको नोटिस दिए बेदखल करने के लिए, लेकिन हम उसके लिए हम कई बार गुहार लगाते गए, सभी अधिकारियों को गुहार लगाई,
लेकिन अंतिम नोटिस देने के बाद ये कह दिया गया कि तुम यहाँ से हटा दो वरना चौथा या पांचवा दिन हमारा होगा। तो केबिन धारियों के लिए सामने एक बड़ी स्थिति बेहद बन गई है, क्योंकि उनके लिए स्थिति ऐसी बन गई कि ऊपर आसमान नीचे ज़मीन। तो ऐसी स्थिति में केबिन वालों के लिए जीवन मरण का सवाल आ गया और लोग घरों के खाने पीने की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी, परिवार बेदखल हो जाएंगे, कम से कम 2500 से 3000 लोग को भूख की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर हमारी स्थिति में नहीं सुधार किया गया और हमारी गुहार नहीं सुनी गई तो याद रखें, अभी तो ये आमरण अनशन है, पूरे औरत बीवी बच्चे सहित पूरा संघर्ष तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी विकास अधिकारी कोटरा की होगी। काबिज अपना केबिन में रोजी रोटी कमा कर जीवन यापन कर रहे हैं और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब हमें पंचायत की ओर से हटाने के नोटिस दिए गए और हटाने से हमारे बीच करीबन 2500 परिवारों के बीच भुखमरी की नौबत आकर खड़ी हुई है। हमने सरपंच, बीडीओ साहब, प्रधान जी, जिला कलेक्टर साहब सभी को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और अब हमें बार बार हटाने के आदेश देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हमने निश्चय किया कि हम दो दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे कि हमारा पक्ष सुना जाए और हमें सभी को पट्टे दे दिए जाए। 43 वर्षों से काबिज है हम यहाँ पर, यदि ऐसा नहीं होता है तो गांव का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी और सरपंच साहब इसके उत्तरदायी रहेंगे।